अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू घारिस किचन। आज मैं कैरेमल ब्रेड पुडिंग बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने दूध लिया है, 1.5 कप है। 1 कप से मैंने मेजर करके लिया, मेजरमेंट जो कप आते हैं, 1½ कप दूध लेंगे। 6 ब्रेड के पीस है और ये 5 बड़े चम्मच शक्कर है, ये कस्टर्ड में जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये 3 टेबल स्पून मैंने अलग से शक्कर लिए कैरेमल बनाने के लिए, ये देखिए 1 टेबल स्पून का नाप लिया है मैंने। और ये 4 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है वेनिला फ्लेवर का, ये देखिए इससे मेजरमेंट करके लेंगे। और ये 1/2 कप पानी है, ये इसमें कस्टर्ड में डालकर इसका घोल तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कैरेमल बना कर लेंगे, फिर बाकी की तैयारी करेंगे। ये देखिए कैरेमल बनाने के लिए मैंने छोटा सा बर्तन रखा है, इसमें शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे और इसको हिलाते हुए इस तरह चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक पका के लेंगे। लो फ्लेम पे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, ये गोल्डन कलर आना चाहिए कैरेमल का, तब तक इसको चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा इसको, इसको हिलाते ही रहेंगे नहीं तो एकदम कड़वा हो जाएगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो और थोड़ा होना चाहिए। हमारा कैरेमल बनके तैयार है, ये देखिए इस तरीके से ये बनना चाहिए। अब मैं इसको ये केक का टिन लिया है मैंने, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, इसमें ये डालेंगे। इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, ये तो कड़वा हो जाएगा। और इसको चारों तरफ इस तरह से घुमाते हुए फैला कर लेंगे। मैंने कैरेमल जो टिन में डाला था वो सेट होने के लिए रखा है, अच्छे से ठंडा होना चाहिए। अभी ब्रेड के साइड के कट निकाल कर लेंगे, ये ब्राउन जो पीस है वो निकाल कर लेंगे छुरी से इस तरह कट करके, ये देखिए ऐसे सारे निकाल कर लेंगे और इसको टुकड़े कर कर मिक्सर में पीस कर लेंगे। मैंने ब्रेड को मिक्सर में पीस कर लिया, इस तरह से बारीक पीसेंगे। और ये मैंने 1/2 कप पानी डालकर कस्टर्ड का घोल बना कर दिया है, अभी आगे की तैयारी करेंगे। दूध मैंने गर्म होने रखा है, चलिए बनाते हैं। ये देखिए दूध गर्म हो चुका है, मैंने दूध गर्म होने रखा था, अब इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो, आपको कितना मीठा चाहिए। और इसको शक्कर को घुलने देते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग कस्टर्ड का जो घोल बना कर रखे हैं वो डालेंगे। ये एगलेस पुडिंग है बिना अंडे की और बिना ओवन के मैं बना रही हूँ, इसको स्टीम करके बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है। अब शक्कर हमारी घुल चुकी है, अब इसके अंदर हम लोग कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए सारा मैंने डाल दिया और इसको फटाफट हिलाएंगे इसी तरह से, ताकि इसके लम्स ना बने। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको थोड़ा पकने देते हैं, फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर कर हम लोग ब्रेड ऐड करेंगे। ये देखिए गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं जल्दी गाढ़ा हो जाता है इस तरह से। अब हम लोग इसके अंदर ब्रेड क्रम ऐड करते जाएंगे, 2-2 चम्मच डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे इस तरह से। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हाई करेंगे नहीं, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब और 2 चम्मच मैं ऐड करूँगी। इसको भी मिक्स करके लेंगे इसी तरह, थोड़ा थोड़ा करके सारा हम लोग डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके लेना है। अब मैं इसमें बचा हुआ सब ऐड करूँगी। और इसको मिक्स करके लेते हैं। ये देखिए अच्छे से पक रहा है, आप देख सकते हैं पक गया अच्छे से, इस तरह से ठीक हो गया। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको जो हम डब्बे में कैरेमल डालकर रखे हैं उसमें ऐड करेंगे। देखिए जो टिन में मैंने कैरेमल डाला है उसमें डालेंगे। आप चाहो तो इसमें वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। अच्छे से सारा बैटर डालेंगे
और इसको अच्छे से फैला कर लेंगे, ऊपर से प्लेन करेंगे। इस तरह से ये अच्छे से हो गया। अब हम लोग पानी गर्म करने रखते हैं इसको स्टीम करने के लिए। ये देखिए एक बड़े बर्तन में मैंने पानी रखा है गर्म होने, 2 गिलास। उसके अंदर स्टैंड रखेंगे और जो बैटर हम लोग ने बना कर रखा है उसमें डालेंगे इस तरीके से, और इस पर ये ढक्कन रखेंगे। आप चाहो तो फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, मैं ढक्कन रख रही हूँ। और उसके ऊपर और एक ढक्कन रखेंगे इस तरह से, अच्छे से कवर करेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट लगेंगे पकने के लिए। अच्छे से सेट हो गया, इसको पूरे 35 मिनट लगे पकने के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं, इस तरह हाथ लगा कर देखो, चिपकता नहीं है आपको। ये अच्छे से हो गया, इसको अभी निकाल कर मैं फ्रिज में रखूँगी 1 घंटा, उसके बाद सर्व करेंगे इसको ठंडा ठंडा। देखिए ये अच्छे से पुडिंग हमारी सेट हो गई, मैंने 1-1.5 घंटा फ्रिज में रखा था इसको, आप देख सकते हैं। अभी इसको हम लोग प्लेट में निकालेंगे, इस तरह प्लेट रखेंगे और इसको धीरे से हम लोग पलटी करेंगे और बड़े आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए एक हमारी कैरेमल ब्रेड पुडिंग बनके तैयार है। इसको मैं आपको कट करके बताती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।